और इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये खाने लायक होती होगी, पर आगे की प्रोसेस में पता चलेगा आपको ये खाने लायक होती है। तो माँ ने अभी टोकरी भरकर कंडाली निकाल ली है और 24 की पहली बारिश हुई थी, पहली क्या सर्दियों की पहली बारिश मान के चलो, इसे बहुत टाइम बाद हुई। माँ ने बारीक किया है और इसे कंडाली में डालने पर अच्छा स्वाद आता है। और अभी गर्म पानी में कंडाली डाल दी है और कंडाली में हमने थाली रखी थी वो इसलिए रखते हैं, जो कंडाली के कांटे होते हैं वो सारे इसमें चिपक जाते हैं। मेरी माँ ने कंडाली की कफ़ी बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, बहुत मजा। कैसे हो आप सब, होप कि सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो शुरुआत हो गई है खूबसूरत नए दिन की, इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है संगीता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, बहुत लेट से हो रही है, लेट से इसलिए हो रही है, टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम पहाड़ी डिश बना रहे हैं, कंडाली का साग रात को बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने आज ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट से की। तो चलिए अभी माँ कंडाली निकालने के लिए गई है, तो कंडाली बनाने की प्रोसेस जो भी होगी वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी, आपको ब्लॉग में बने रहना है एंड तक। और दोस्तों कल शाम को 2024 की पहली बारिश हुई थी, पहली क्या सर्दियों की पहली बारिश मान के चलो, इसे बहुत टाइम बाद हुई। और इसका मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था क्योंकि लॉन्ग वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि शाम को हुई थी तो मैंने कल ब्लॉग बनाया नहीं था, तो उसकी वजह से मैं आपको खाली मिनी ब्लॉग ही बना पाई। तो बारिश के कारण क्या होता है कि जो कंडाली होती है वो साफ हो जाती है और खाने लायक हो जाती है, तो इसलिए आज हम कंडाली का साग बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी माँ ने टोकरी भरकर कंडाली निकाल ली है और कंडाली को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इसे खाते भी हैं, पर इसे खाते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। और साथ ही में माँ ने इसमें थोड़ा सा पालक और बड़ेदू निकाल रखा है गाढ़ा करने के लिए। और कुछ इस तरह से हमारी कंडाली की टोकरी माँ ने सजा रखी है, थोड़ी देर में इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। और कंडाली का साग सर्दियों में इसलिए खाते हैं क्योंकि कंडाली शरीर में गर्माहट पैदा करती है, इसलिए सर्दियों में ज़्यादातर कंडाली का साग बनाया जाता है, गर्मियों के टाइम पे नहीं बनाया जाता क्योंकि उस टाइम की कंडाली ख़राब रहती है और सर्दियों की टाइम की कंडाली साफ़ रहती है, क्योंकि बारिश के कारण और जो ओस होती है उसके कारण कंडाली साफ हुई रहती है, तो उसकी वजह से सर्दियों के टाइम पर ज़्यादातर कंडाली का साग बनाया जाता है। कपली बनाने के लिए सबसे पहले हम कंडाली को अच्छे से झाड़ देंगे, इसमें जो भी धूल मिट्टी होगी उससे अच्छे से झाड़ लेंगे। और इन्हें झाड़ने के लिए हम दो हथियार लेंगे, हाथों से करेंगे तो कंडाली लग जाएगी, इसलिए माँ अभी कर्ची और दरांती से कर रही है। उसके बाद इस पतीले में भर लेंगे धोने के लिए। और उसके बाद हम कंडाली को अच्छे से धोएंगे, और कंडाली धोने के लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और इसे मैं अच्छे से साफ़ करूंगी, इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो पानी में निकल जाएगी। और माँ ने चूल्हे में कढ़ाई रख दी है और इसमें पानी रखा है गर्म करने के लिए, इसमें हम कंडाली डालेंगे। और माँ ने बड़ी कढ़ाई ली है कंडाली बनाने के लिए, इसमें बनाने में आसानी होगी। कंडाली में डालने के लिए माँ ने यहाँ पर सिलबट्टे में चावल बारीक किए हैं, अगर आपके पास घर के चावल है तो आप वो भी डाल सकते हो। हमारे पास अभी हमने मतलब धान कूटा नहीं है तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हमने ये मार्केट वाले चावल लिए हैं और इनको सिलबट्टे में माँ ने बारीक किया है, और इसे कंडाली में डालने पर अच्छा स्वाद आता है। और अभी गर्म पानी में कंडाली डाल दी है और उसके ऊपर से डाल रहे हैं ये बारीक किया हुआ चावल, और ऐसे दो हथियार लेके हम कंडाली को चूल्हे में डालेंगे क्योंकि हाथ से डालेंगे तो लग जाएगी। सोचेंगे हम खाएंगे कैसे,
और कंडाली डालने के बाद हम इसमें एक बड़ी सी थाली रख देंगे, ऊपर से ढक के उबालेंगे और इसे उबालने के लिए रख देंगे। तो हमारी कंडाली अभी अच्छे से बॉईल हो रही है और बहुत तेज आग जल रही है, तो हमारी थाली भी उछल रही है। और कंडाली अभी हाफ बॉईल हो गई है और इसे हम थोड़ा पलटेंगे। तो कंडाली अभी अच्छे से बॉईल हो गई है और इसे हम थोड़ा सा बारीक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी कंडाली अच्छे से बारीक हो गई है और अब इसे हम निकाल लेंगे और पहले बनाएंगे भात और इसे पूरा कंप्लीट भात बनाने के बाद करेंगे। जो कंडाली में हमने थाली रखी थी वो इसलिए रखते हैं, जो कंडाली के कांटे होते हैं वो सारे इसमें चिपक जाते हैं और बहुत सारे कांटे ये थाली में चिपक गए हैं, ये देख सकते हो आप, कुछ इस जगह से भी कुछ यहाँ से भी बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। और इस थाली को हम साइड कर देंगे और कांटे उतरने के बाद हमारी कंडाली हो जाती है खाने के लिए तैयार। और दोस्तों कंडाली में हम ठंडा पानी या अलग से पानी नहीं डालते, इसकी वजह से कंडाली का स्वाद बिगड़ जाता है। इसमें हम डालेंगे ये चावल का पानी, चावल उबाले हैं, जो ये पानी है इसे हम कंडाली में डालेंगे। अगर आपको आपकी कंडाली कम लग रही है तो इस पानी को डालें, अगर ठीक है तो मत डालें। चावल का पानी डालने के बाद हमारी कंडाली ऐसी हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हमें कम लग रही थी थोड़ा सा, इसलिए हमने इसमें चावल का पानी डाला। अब हम लगाएंगे कंडाली में तड़का और तड़का इस स्टाइल में लगाएंगे, ये करछी पे तेल रख दिया है और ये गरम होगा, इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे। सरसों के दाने डालने से पहले हम पहले इसमें ये मिर्च को बॉईल करेंगे। तो चलिए जी, तड़का भी लगा लिया है और हमारी कंडाली की कपली बनके हो गई है तैयार। अब है इसे खाने की बारी, तो चलिए स्वादिष्ट कन्हाई की कपली का आनंद लेते हैं, खाते हैं रात का खाना। तो हमारी कनाली की कपली बनके हो गई है तैयार और थाली में रख ली है, आलोक तो खाने भी बैठ गया है, तो चलिए अब मैं भी खाती हूँ, मेरी थाली भी हो गई है तैयार। तो चलिए दोस्तों, रात का खाना भी हो गया है और मेरी माँ ने कनाली की कपली बहुत स्वादिष्ट बनाई थी, बहुत मज़ा आया खाने में। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नए दिन के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।